नमस्कार। भारत रत्न देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की 130वीं जयंती पर अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के तत्वाधान में मां शीतला देवी इंटर कॉलेज शाहपुर नेवादा कोलुआ जनपद जौनपुर में जिला स्तरीय क्विज और संस्कृत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के दर्जनों विद्यालयों के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फैसल हसन तबरेज द्वारा प्रथम विजेता खुशी विश्वकर्मा को लैपटॉप, द्वितीय विजेता आंचल मौर्या को एंड्रॉइड मोबाइल और तृतीय विजेता नंदिनी गुप्ता को साइकिल पुरस्कार के रूप में दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यक्रम आयोजक शार्दुल सम्राट ने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के महान शिल्पकार थे। आज भारत दुनिया की सबसे ताकतवर देश की कतार में खड़ा है। इसमें नेहरू पंडित जी की महान त्याग का ही परिणाम है। पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत लगाव था, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे देश का भविष्य हैं। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। देखें यह रिपोर्ट। कौन है और तेरे सुनने अपनी पूरी लाइन सुनने का राह में खतरे भी हैं, लेकिन सहारता कौन है? मौत कल आती है, आज आ जाए, डरता कौन है? और तेरे लश्कर के मुकाबले में अकेला हूँ, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन। थोड़ा सा किसान के लड़के आए हैं, मैं किसानों के लिए कहना चाहूंगा, कहीं न कहीं वहीं के बच्चे पढ़ रहे हैं। साथियों, कीमत तो बहुत पड़ गई शहरों में धान की, जरा सुनिएगा गौर से, अब समय कम है। कीमत तो बहुत पड़ गई शहरों में धान की, मगर विदा न हो सकी देसी किसान की। और मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। आज जो वास्तव में अब आएंगे दीपक स्वर्णकार, 4-3 ग्रामीण क्लास में है, 33 नंबर पॉइंट के सुंदरम गुप्ता, अतुल पाल है, रितेश मौर्य एबीएस स्कूल के है, विद्यालय